हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रेशमीज किचन मंचा। होप यू ऑल वेल। मेरी आज की रेसिपी है राइस खीर, यानी कि चालेर पायस। इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इसीलिए हर एक ओकेशन में या तो फिर पूजा में इसे सबके घर में बनाया जाता है। तो ये हर कोई बना लेते हैं, तो मैं कैसे इसे बनाती हूँ ये आज मैं शेयर करूँगी। और आज मैं इसे स्पेशली बना रही हूँ पूजा के लिए। तो आप दिवाली में या लक्ष्मी पूजा में या तो फिर आपके घर में कोई भी पूजा में इस टाइप की खीर यानी कि पायस बना के आप भोग लगा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए मेरे आगे आने वाली रेसिपीज़ को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस राइस खीर को। यहाँ पे खीर यानी कि पायस बनाने के लिए मैंने 1 लीटर गाय का दूध यानी कि काऊ मिल्क लिया है। आप यहाँ पे फुल फैट मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम ऐसे चम्मच से धीरे धीरे चलाते रहेंगे और इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे। दूध में यहाँ पे अच्छे से बॉयल आ रहा है, तब हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से थोड़ा सा स्टिकी हो सकता है। अब हम इस दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे और तब तक हम यहाँ पे राइस को भी रेडी कर लेंगे। खीर यानी कि पायस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोविंद भोग राइस लिया है। अगर आपके पास ये वाला राइस नहीं हो तो आप कोई भी फ्लेवर्ड खीर वाला राइस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 60 ग्राम राइस लिया है। मैंने 1 लीटर दूध लिया है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 60 ग्राम राइस यूज़ किया है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा राइस का भी यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 60 ग्राम राइस लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून घी। यहाँ पे हम राइस को नहीं धोएंगे क्योंकि ये फ्लेवर्ड राइस है, तो इसे मैंने अच्छे से कॉटन के टॉवल से क्लीन कर लिया है। अब इस घी के साथ राइस को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। खीर में राइस अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी खीर अच्छा नहीं बनता है। तो आप ध्यान में रखिए, 1 लीटर दूध के लिए मैंने यहाँ पे 60 ग्राम राइस लिया है, यानी कि ये टेबलस्पून के हिसाब से 4 टेबलस्पून राइस है। आप राइस को घी के साथ कोट करने के टाइम पे इसमें 1 पिंच सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, उसमें खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आज मैं पूजा के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें सॉल्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे देखिए, दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है और दूध इसमें थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। दूध को अगर शुरू में ही हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे तो खीर बहुत अच्छा बनता है। तो अब इस दूध को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज़पत्ता। तो तेज़पत्ता को मैंने टुकड़ा कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 इलायची। अभी मैं इसमें 1 ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि बाद में इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है। तेज़पत्ता और इलायची को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम अब ऐड कर देंगे घी से कोट किया हुआ राइस को। अगर आप राइस को घी से कोट करते हैं उससे खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उसके साथ साथ राइस बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। अब अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को अभी मैंने हाई पे ही रखा है। तो अब यहाँ पे अच्छे से दूध में बॉयल आ रहा है। राइस ऐड करने के बाद इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से स्टिकी हो जाएगा। तो अब देखिए अच्छे से इसमें बॉयल आ रहा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा काजू। काजू को मैं अभी ऐड कर रही हूँ, इससे काजू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इसे आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से एक बार मिक्स कर दूंगी और इसे अब मैं अच्छे से बॉयल करूंगी तब तक जब तक राइस अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। खीर में राइस को ऐड करने के साथ साथ ही उसमें तुरंत शुगर ऐड नहीं करना है, उससे राइस कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे राइस ऑलमोस्ट 80% कुक हो चुका है। अब हम यहाँ पे शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर ऐड करने के टाइम भी हमें गैस की फ्लेम को लो पे ही रखना है। तो मैं यहाँ पे 5 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। आप आपके पसंद के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे चम्मच को चलाते हुए हम शुगर को मेल्ट होने देंगे। आज हम पूजा के लिए खीर बना रहे हैं तो इसका टेस्ट और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मिश्री। आप इसे डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे ऐड करने से टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आता है। आप मिश्री के बदले यहाँ पे बताशे का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ किशमिश। तो किशमिश को मैंने अच्छे से धो लिया है पहले। किशमिश और काजू को आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस खीर में से मैं तेज़पत्ता को निकाल लूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर ऑलरेडी खीर में आ चुका है।
शुगर ऐड करने के बाद दूध का थिकनेस थोड़ा सा कम होने लगता है, यानी कि दूध पतला हो जाता है, तो इसलिए गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे कर दिया है। तो देखिए दूध यहाँ पे फिर से गाढ़ा हो गया है। 30 मिनट से ज़्यादा हो गया है इस खीर को पकाते हुए, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। खीर यहाँ पे काफ़ी थिक हो चुका है, इसे अब हम और थिक नहीं करेंगे, ये ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो बन गया आज का हमारा राइस खीर यानी कि चाले पायश। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये एक बहुत अच्छा रेसिपी है जो हर ओकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं और ख़ास करके पूजा में। तो आप भी इसे दिवाली, लक्ष्मी पूजा या तो फिर आपके घर में कोई भी फेस्टिवल में ऐसे ही बना के सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।